आम आदमी में गठबंधन हो सकता है, यानी कि अलायंस पर सहमति बन गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया में सकारात्मक बातचीत हुई है सूत्रों के हवाले से। हालांकि खबर है आम आदमी पार्टी हरियाणा में 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है, सूत्र ये कह रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से 10 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन 5 पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है, और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलके चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूँ कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है।